सो गाइस, दिस कमिल एंड यूर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है काइन मास्टर के अंदर आप ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आज को काइन मास्टर पर। तो काइन मास्टर पर आने के बाद सबसे पहले क्रिएट न्यू पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप एस्पेक्ट रेशियो ये जो मिलता है 16:9 आप इसे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, आप कोई दूसरा एस्पेक्ट रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप 16:9 को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप 16:9 को सिलेक्ट करते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो 16:9 सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एक इमेज ऐड करना है। ठीक है, तो आप अपना एक बेस्ट पिक्चर सिलेक्ट कर लेना सबसे पहले। तो सबसे पहले फोल्डर सिलेक्ट करना है आपको। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से अपना एक इमेज सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहां से हम अपना एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंपली फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर नीचे आ जाएगा और उसके बाद आपको राइट साइड के कोने पर क्रॉस आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो पिक्चर आ चुका है। तो अभी पिक्चर को पूरी स्क्रीन पर आपको जूम कर लेना है, यानी कि जो आपको ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है इनको रिमूव कर लेना है और हमारा जो पिक्चर उसको पूरी स्क्रीन पर कवर करना है इन सब एरिया को। तो फोटो पर क्लिक करेंगे आपको पेन एंड जूम मिलता है, ये रहा, इस पर क्लिक करना है और इसको क्या करना है कुछ इस तरीके से आप जूम कर लेंगे पूरी स्क्रीन पर अपना जो फोटो है उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो को हमने यहाँ पर पूरी स्क्रीन पर जूम कर लिया। तो कुछ इस तरीके से फ़ोटो को आप अपने हिसाब से जूम कर लेना एंड देन आपको बीच में जो आइकन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर में कर देंगे डन। उसके बाद आप इस फोटो का जो टाइम लेने उसको आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेना, लाइक आप कितने सेकंड इंक्रीज करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन क्या करना है आपको यहाँ पर अपने पिक्चर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको क्लिप ग्राफिक्स नाम का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एसेट स्टोर। सिंपली एसेट स्टोर पर क्लिक करना है। एसेट स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है आप देख सकते हो लेफ्ट साइड की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टाइलिश, सिंपली स्टाइलिश पर क्लिक करना है और स्टाइलिश पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, म्यूज़िक एल्बम मिलता है, सिंपली म्यूज़िक एल्बम पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो जहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है, बटन मिलता है, इसी जगह पर आपके काइन मास्टर के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ से आ जाना है बैक एंड इंस्टॉल होने के बाद ये आपके काइन मास्टर के अंदर ऐड हो जाएगा। अभी आप यहाँ से आ जाएंगे बैक। बैक आने के बाद आपको लेफ्ट साइड के कोने पर क्रॉस मिलता है, क्रॉस आइकन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे काइन मास्टर के अंदर। उसके बाद ग्राफिक्स पैनल पर आपको ढूंढ लेना अपने जो इफेक्ट डाउनलोड किया था वो कहाँ पर है। सो काइन मास्टर पर आ चुका है लेकिन ये है कहाँ पर, तो उसको आपको ढूंढ लेना है। अगर आपके ग्राफिक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं है पहले से डाउनलोड करके तो आपको बिल्कुल ऊपर में मिल जाएगा। तो मैंने इसको काफ़ी पहले डाउनलोड किया था तो मेरे यहाँ पर ये रहा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर काफ़ी सारा ग्राफिक्स मिल जाता है। सो आप यहाँ से कोई भी ग्राफिक्स अप्लाई कर सकते हो, लाइक जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, किस टाइप का विजुअल इफेक्ट आपको चाहिए, इसके अलावा आपको किस टाइप का, इस आप देख सकते हो देखने में ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है जो कि ऑडियो विजुअलाइजर। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा टेम्पलेट मिल जाता है, आप अपने हिसाब से कोई भी टेम्पलेट यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एक अच्छा सा टेम्पलेट अप्लाई कर लेते और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको इसे कस्टमाइज़ किस तरीके से करना है। तो मान के चलो हमने ये वाला जो टेम्पलेट इसको अप्लाई कर लिया और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको नाम पे सो डन का ऑप्शन मिलता है, आप डन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो टेक्स्ट को आपको क्या करना है, टाइटल टेक्स्ट इनको आपको लिख लेना है। जैसे कि टाइटल टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम भी देख सकते हो या फिर सिंगर का भी नाम देख सकते हो या फिर सॉन्ग का नेम भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ ट्रेंडिंग लिख लेता हूँ, ट्रेंडिंग लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंडिंग सॉन्ग लिख लेते, उसके बाद ओके में क्लिक करना है। ठीक है, तो यह ट्रेंडिंग सॉन्ग आ चुका है सबसे ऊपर में। नीचे की लाइन पर आप कुछ और लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते, सो कुछ भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, कुल लिख लिया तो ये कुल आ जाएगा आप देख सकते हो। अभी नीचे जो दो लाइन मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हो शो हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको लिख लेना है। आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर डॉट ऐड कर लेते, ओके में प्रेस करना है।
तो नीचे आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर अगेन लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है। सो यहाँ पर इंस्टाग्राम लिख लिया, उसके बाद ओके में प्रेस करना है, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, अभी म्यूज़िक ऐड करना है, तो आपको ऑडियो पर क्लिक करना है। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आप नीचे से फोल्डर सिलेक्ट करेंगे, फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फोल्डर से अपना जो म्यूज़िक उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से अपना म्यूज़िक ऐड कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो म्यूज़िक ऐड कर लिया। उसके बाद इसको ना क्रॉस आइकन पर क्लिक करेंगे एंड इसे आप प्ले करके सुन सकते हो। सबसे पहले तो म्यूज़िक का एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ से कट कर लेते, और अभी मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि कितना मस्त हमने यहाँ पर म्यूज़िक वीडियो एडिटिंग कर लिया। मुझे एक्जैक्टली पता नहीं कि इस टाइप का वीडियो को क्या कहते हैं, लेकिन आप देख सकते हो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप इसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हो, इवन आप इसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हो, इसके अलावा आप टिकटॉक वगैरह में भी अपलोड कर सकते हो। तो आप इसमें जो एक बेहतर म्यूज़िक लगा सकते हो, ठीक है। जितना अच्छा आप म्यूज़िक इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी कि वीडियो बनाने के बाद आप जितना अच्छा म्यूज़िक यूज़ करेंगे, उतना बेहतर आपका वीडियो बनेगा। ओके, सो मैंने आपको दिखा दिया आप कैसे इस टाइप का वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, इसे सेव करना है, ठीक है। तो इसे सेव करने के लिए आपको ये जो आइकन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप FHD 1080p सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम रेट आप 30 सिलेक्ट करेंगे, सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे, आपका वीडियो सीधा आपकी गैलरी पर जो है सेव हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।